हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। क्लास ट्वेल्थ एंड वी आर स्टडिंग हियर इंग्लिश कंपलसरी। इन यस्टरडेज क्लास आई टॉट यू द थर्ड लेसन ऑफ योर बुक, सेकेंड बुक पैनोरमा। The name of the chapter, The Guitar Player and Swimmer. Class 12th and Compulsory English. Class 12th and Compulsory English. Name of the chapter is The Guitar Player and Swimmer. Okay, The Guitar Player and Swimmer. प्यारे बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर आज अपन यहाँ लेते हैं। आपके फर्स्ट क्वेश्चन से ही यहाँ प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट फीलिंग्स, क्वेश्चन नंबर एक। व्हाट फीलिंग्स, कौन सी भावनाएं एरोज इन द हार्ट ऑफ पासर्स बाय आफ्टर लिसनिंग टू द म्यूजिक। After listening to the music, संगीत सुनने के बाद उन राहगीरों के हृदय में कौन सी भावनाएं उठीं? When the passers by listen to the music of the guitar player, गिटार वादक का संगीत जब सुना द फीलिंग ऑफ लव, तो प्रेम की भावनाएं एरोज उठी इन द हार्ट ऑफ द पासर्स बाय राहगीरों के हृदय में।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, अकॉर्डिंग टू द गर्ल, लड़की के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द गर्ल, लड़की के अनुसार डिड द पासर्स बाई गिव राइट आंसर, क्या राहगीरों ने सही जवाब दिया? लड़की के अनुसार तो उन्होंने सही जवाब नहीं दिया था। डियर स्टूडेंट्स, नो, द पासर्स बाय डिड नॉट गिव द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द गर्ल, लड़की के अनुसार सही जवाब नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्वयंवर? स्वयंवर शब्द का क्या मतलब है ये आपको इसमें बताना है। स्वयंवर वॉज ए प्रैक्टिस इन एंशियंट टाइम इन विच ए गर्ल चोज हर हस्बैंड ऑफ हर ओन चॉइस Among the suitors, किन में से? suitors माने आगंतुकों में से। आगंतुक का मतलब परिणयार्थियों में से अपना पति स्वयं चुनना होता था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। व्हाई डिड हर पेरेंट्स ग्रीव? व्हाई डिड हर पेरेंट्स ग्रीव? उस राजकुमारी के माता पिता क्यों दुखी थे? हर पेरेंट्स, उसके माता पिता ग्रीव्ड बिकॉज हर डॉटर वुड विशिल लाइक बॉयज, उनकी पुत्री लड़कों की तरह सीटी बजाती थी। दे थॉट दैट हु वुड मैरी ए विशलिंग गर्ल, एक सीटी बजाने वाली लड़की से कौन शादी करेगा? ये उनका प्रॉब्लम था। चलिए आप लोग इसको कॉपी कीजिए। वो उसकी शादी के बारे में चिंतित थे। They were worried about her marriage. वो उसकी शादी के बारे में बहुत ही ज्यादा क्या थे? चिंतित थे। चलिए बच्चों कॉपी कीजिए। क्वेश्चन 5वां है। What was the right answer according to the girl? लड़की के अनुसार सही जवाब क्या था? According to the girl, लड़की के अनुसार one must love her, किसी व्यक्ति को उससे प्रेम करना होगा। As she is, जैसी वो है, with all her gifts, उसके संपूर्ण प्रतिभा से, possessions उसके पजेशंस माने स्वामित्व से, चीजों से,
वन मस्ट लव, किसी को प्रेम करना होगा हर उससे, एज सी हैज बीन, जैसी वो रही है, एंड एज सी शैल बी नाउ ऑन, और अब से जैसी वो रहेगी उसी से प्रेम करना होगा। ये नहीं है कि वो पहले कैसी थी उससे प्रेम नहीं कर सकता, जैसी भी पहले थी, जैसी भविष्य में होगी, जो भी उसके पास पूरा सामान, जो भी चीज़ें हैं, चाहे गिटार है या म्यूजिक है, जो भी है, उस सभी प्रतिभा से उसे प्रेम करना होगा। ओके डियर्स, चलिए यहां से आगे चलते हैं। क्वेश्चन आता है अगला, व्हाई डिड द पेरेंट्स टेल द प्रिंसेस, लेकिन उससे पहले अपन कि ये प्रश्न रह गए, इनको बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्वयंवर? स्वयंवर शब्द का क्या मतलब है? स्वयंवर वॉज ए प्रैक्टिस, स्वयंवर एक प्रथा थी इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में, इन विच, जिसमें एक गर्ल, एक लड़की चुनती थी हस्बैंड, अपना पति, ऑफर ओन, अपना स्वयं की चॉइस, पसंद का, अमोंग द स्वीटर्स, सूटर्स माने क्या होता है, आगंतुकों में से, या आप कह सकते हो बच्चों, आगंतुक नहीं कहते हो तो आप इसको क्या कह सकते हो, प्रणयार्थियों में से, जो केवल शादी के लिए आए हैं उसको कहते हैं प्रणयार्थी। अगला क्वेश्चन यहां बात करते हैं, Why did her parents grieve? उसके माता पिता क्यों दुखी थे? Her parents, उसके माता पिता grieved, दुखी थे, because, क्योंकि her daughter, उनकी पुत्री, would whistle, सीटी बजाती थी, like boy, लड़कों की तरह। They thought, वे सोचते थे, that कि who would marry, कौन शादी करेगा ये whistling girl, एक सीटी बजाने वाली लड़की से। They were worried, वो चिंतित थे, अबाउट हर मैरिज, उनकी शादी, अबाउट हर मैरिज, उसकी शादी के बारे में वो चिंतित थे। किसकी शादी के बारे में चिंतित थे? अपनी पुत्री की शादी के बारे में चिंतित थे। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, व्हाई डिड द पेरेंट्स टेल द प्रिंसेस, व्हाई डिड द पेरेंट्स टेल द प्रिंसेस, माता पिता क्यों कहते थे द प्रिंसेस, राजकुमारी से, नॉट टू विशल, सीटी नहीं बजाने के लिए क्यों कहते थे? क्योंकि उनको ये डर था कि कौन एक सीटी बजाने वाली लड़की से शादी करेगा। बिकॉज At that time, it was considered quite absurd, बिल्कुल बेकार माना जाता था, फॉर ए गर्ल, एक लड़की के लिए, टू विशल माने सीटी बजाना। उनको डर था
दे वर वरीड, उसके माता पिता चिंतित थे अबाउट हर मैरिज, उसकी शादी के बारे में. दे थॉट, वे सोचते थे दैट हु वुड मैरी, कौन शादी करेगा ए विस्लिंग गर्ल, एक सीटी बजाने वाली लड़की से. सो इसलिए द पेरेंट्स, माता पिता ने टोल्ड हर, उसे बताया, नॉट टू विसल, सीटी नहीं बजाने के लिए. बिकॉज क्योंकि एट दैट टाइम, उस समय इट वॉज कंसिडर्ड, ये माना जाता था क्वाइट एब्सर्ड, बिल्कुल बेकार फॉर ए गर्ल, एक लड़की के लिए टू विसल मन सीटी बजाना, एक लड़की सीटी बजाए. लेकिन ध्यान रखना बच्चों, किसी गलती से यदि आप एब्सर्ड के बाद ये लिख देते हो क्वाइट एब्सर्ड टू विसल फॉर ए गर्ल, तो आपके सेंटेंस का अर्थ पूरी तरीके से अलग हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इस तरीके से सेंटेंस में अलग क्या होगा कि एक लड़की के लिए सीटी बजाना के लिए वो पर्पज हो गया, लेकिन एक लड़की का सीटी बजाना ये अर्थ होगा इस जगह पर, ध्यान रखना. देवर वरीड, वो चिंतित थे अबाउट हर मैरिज, की शादी के बारे में. दे थॉट दैट, वो सोचते थे कि हु वुड मैरी, कौन शादी करेगा ए विस्लिंग गर्ल, एक सीटी बजाने वाली लड़की से. चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया है. मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास में कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए हैं ये आपने अच्छे से कर लिए होंगे. मैं इसी के साथ आज क्लास समाप्त करता हूँ. थैंक यू.